वर्धा लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम एक लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विदर्भ क्षेत्र के काफ़ी महत्वपूर्ण इस जिले में ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिसको जिसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहां के सांसद से बात करें। पहले से लेकर के इस टर्म में आ चुके हैं, आपको क्या लगता है आपकी जनता आपसे कितनी खुश है? तो मैंने अपना करियर तो कुश्ती से चालू किया है जी। मैं 20 साल कुश्ती खेला हूँ, उसके बाद में पहली बार मैं नगर परिषद में खड़ा रहा 1985 में। बाद में भारतीय जनता पक्ष ने मेरे को 2014 में सांसद की टिकट दिया और बड़े पैमाने में 2 लाख से ऊपर में चुन किया, फिर लोगों का काम किया, फिर उतने वोट से मैं 2019 में चुन किया है। नहीं, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं था, आप जब चुन करके आए तो पहली बार की वोटिंग में जितने वोट आपको पड़े थे 2019 में भी उतने ही वोट पड़े थे। तो क्या हम माने कि आपके काम से जनता उतनी खुश नहीं थी या फिर और कोई विकल्प नहीं था उस वक्त? तो जैसा कि कहते हैं कि बीजेपी की सुनामी थी, उस सुनामी में तड़ साहब आ गए। पहले भी तो सुनामी थी, दूसरे में जो काम था भारतीय जनता पक्ष ने काम भी किया, मैंने भी लोगों में जाके काम किया, इसलिए वोट मेरे को मिले हैं। ये महात्मा गांधी और विनोबा भावे का कर्मभूमि है और पूरे वर्ल्ड में इसका नाम चलता है। 2014 में मैंने देखा है कि एक नेशनल हाईवे रोड था हमारे पास जो नागपुर से हैदराबाद गया था। अभी मेरे सांसद क्षेत्र में 16 नेशनल हाईवे रोड है जो अभी भी यही गया, पुट्टीपुरी तुलजापुर अभी बना हुआ। हाँ बस, और रेलवे स्टेशन अभी अपन वहाँ पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन जो पूरे भारत में जो रेलवे स्टेशन बने उसमें से एक बना है वो, और इसलिए मेरे को जनता ने फिर से चुन के दिया है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही वर्धा सीट पर तकरीबन 38 साल तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1996 के बाद से वर्धा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जाता रहा है। 2004 में भाजपा के सुरेश वाघमारे तो 2009 में दोबारा कांग्रेस के दत्ता मेहके जीते, लेकिन 2014 में भाजपा के रामदास तड़स चुनाव जीते। वर्धा सूती वस्त्रों के कारखानों के लिए पूरे भारत में मशहूर है। कपास की खेती यहाँ के किसानों का मुख्य रोजगार का जरिया है, पर आज भी वर्धा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। काम की तलाश में यहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, और अब ये भी दलीलें दी जा रही हैं कि महाराष्ट्र और केंद्र में एक पार्टी की सरकार नहीं होने से कोई सुनवाई नहीं है। वर्धा जिले में बेरोजगारों की संख्या बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे बाहर जाके अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन काफी लोगों को व्यवसाय न होने के कोई नौकरी न होने के नाते वो बेरोजगार पड़े हुए हैं, कोई उद्योग व्यवसाय में लगे हुए हैं। लेकिन वर्धा जिले में अगर बड़े कोई उद्योग आते तो बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है। आप क्या खुद से मुझे बताएंगे कि कौन कौन से काम अब तक नहीं हो पाए? अभी जो ड्राईपोर्ट का काम चालू है, ये देश के परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी, इनका सपना है कि ड्राईपोर्ट में 1000 लोग वहाँ पे लगने को होना, और वैसे से काम वो होने का है, वो काम चालू हुआ। अभी जो पासपोर्ट ऑफिस है, यानी विदर्भ में पहली बार फिर वर्धा में, नागपुर के बाद वर्धा में पासपोर्ट ऑफिस चालू हो गया, और उससे लोगों को पहले नागपुर में जाना पड़ता था, कभी अकोला में जाना पड़ता था, लेकिन पहला वहाँ पे हो गया नागपुर के बाद में, तो अभी लोगों को सुविधा मिल गई उसमें।